बैतारणी कवर करेंगे, फिर हम इसमें महानदी कवर करेंगे, फिर इसमें हम गोदावरी कवर करेंगे, कृष्णा कवर करेंगे, कावेरी कवर करेंगे, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, राइट। फिर हम इसमें बोले छोटी छोटी नदियाँ हैं, पेन्नार है, पालार है, पोन्नैयार है, फिर इसमें सुवर्ण रेखा है, कुछ आंध्रा की छोटी छोटी नदियाँ हैं, नागवल्ली वगैरह, वो सब भी हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। अब ईस्टर्न फ्लोइंग का मतलब क्या होता है? बड़ा आसान है। ये नॉर्थ ईस्ट है, इसका मतलब साफ है, इस तरफ ईस्ट होता है और इस तरफ वेस्ट होता है। सो इसमें हम जो नदियाँ इस तरफ बह रही हैं, और अगर इस तरफ बह रही है तो वो कहाँ पे गिरेंगी? वो यहाँ पे गिरेंगी, यानी ये है बंगाल की खाड़ी। तो ये नदियाँ सारी की सारी ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में। और बाकी जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है वो हमने सेकेंड वीडियो में कवर कर लिए थे कि ये नदियाँ ईस्टर्न फ्लोइंग है तो ईस्टर्न क्यों है, क्योंकि जो हमारा पेनिनसुला है भारत का उसका झुकाव इस तरफ होता है, इसलिए ये नदियाँ जो हैं इनका ग्रेडियंट इस तरफ है, तो इसलिए इस तरफ फ्लो करती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हम पढ़ेंगे इस आखिरी वीडियो में रिवर्स के? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतारणी भी है साथ में, शारदा, पोन्नैयार और वैगई। इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली हैं, ये बड़ी नदियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे तो असंख्य क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे बताऊँगा, एक एक क्वेश्चन आपको बताऊँगा, ठीक है। और ये जो है ये हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं पहली नदी के साथ जो है महानदी। अब अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, ठीक है, दक्षिण भारत की बात हो रही है, पेनिनसुलर इंडिया की बात हो रही है। अब इसमें आप इस तरफ आ जाओ, अब हमारा मतलब सिर्फ इन्हीं राज्यों से रहेगा, यानी कि ओडिशा से रहेगा या आंध्र प्रदेश से रहेगा, तेलंगाना से रहेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन्हीं से हमारा मेनली मतलब रहेगा। सो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि महानदी, तो मैप से ही आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये राज्य कौन सा है? ये छत्तीसगढ़ है, ये जो मैंने बना रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ है, और ये वाला जो है ये ओडिशा है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये नदी छत्तीसगढ़ से निकल रही है, ठीक है, उसके बाद ये फ्लो करके घुस जाती है ओडिशा में, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतना सिंपल है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, नदी कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती कि नदी ऐसी बह रही है सीधी एकदम बस यहाँ से यहाँ। उसमें ऑब्वियसली और भी नदियाँ जुड़ती हैं काफ़ी सारी। और जैसे मान लो ये कोई नदी है, अब इसमें ये बहुत सारी नदियाँ जुड़ रही हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये हैं, यानी नदी सिर्फ इतना एरिया कवर थोड़ी कर रही है। नदी नदी की मुख्य धारा तो ये है, लेकिन ये सब भी तो एरिया नदी का ही है। तो इन सबको मिला के हम बोल देते हैं नदी का बेसिन। नदी का ये बेसिन है, वो बेसिन मतलब उतना एरिया जो नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके जिसको ड्रेन कर रही है, उसको बोलते हैं नदी का बेसिन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं महानदी, तो क्या ये सिर्फ छत्तीसगढ़ और ओडिशा को ड्रेन करती है या कहीं और भी करती है? हाँ, मुख्य धारा तो यही है, लेकिन अगर इसका बेसिन है तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिन में कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे? बेसिन में इसमें थोड़ा सा हिस्सा, अब ये महाराष्ट्र है इतना बड़ा ही, ठीक है। तो ये जो नदी है इसका जो थोड़ा सा बेसिन है महाराष्ट्र को भी छूता है, थोड़ा सा ये ऊपर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो ये मध्य प्रदेश को भी छूता है, राइट। थोड़ा सा ये उड़ीसा के ऊपर ये क्या है, झारखंड है, तो थोड़ा सा झारखंड को भी टच करता है। तो नदी का जो अपवाह तंत्र होता है, जो बेसिन होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, क्लियर। तो अब इसमें शुरू करते हैं महानदी। तो महानदी जो है ये मेनली छत्तीसगढ़ और ओडिशा को ड्रेन करती है, परंतु थोड़ा सा इसका हिस्सा झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भी ड्रेन करता है। तो टोटल लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको ये ड्रेन करती है। ड्रेन करना मतलब वहाँ पे पानी देती है, वहाँ पे इसकी पहुँच है, ठीक है, तो उसको ड्रेन करती है। 900 किलोमीटर लंबी ये नदी है महानदी, 900 किलोमीटर। अब ये सबसे ज़्यादा इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो कौन से राज्य में है, यानी महानदी सबसे ज़्यादा जो इसका एरिया है, क्षेत्रफल है जिसको ये ड्रेन करती है, वो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ओडिशा से भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और महानदी के पानी को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अक्सर विवाद रहते हैं। सो छत्तीसगढ़ में 52.9 और ओडिशा में 46.3, और बस बाकियों में तो फिर ना के बराबर छूती है, सिर्फ झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को तो सिर्फ छूती है, क्योंकि यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं मेजरली ये छत्तीसगढ़ में और ओडिशा में फ्लो करती है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? तो अगर पहला क्वेश्चन मैं दे दूँ कि भाई महानदी का सबसे बड़ा बेसिन कौन से राज्य में है, तो आंसर हो गया छत्तीसगढ़। एक बात और याद रखना, बेसिन को आप लंबाई से कन्फ्यूज मत करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई महानदी की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो ये क्वेश्चन तो अलग है, क्षेत्रफल अलग होता है, लंबाई अलग होती है,
समझ गए बात को? तो कहीं पे नदी की लंबाई छोटी हो सकती है, लेकिन हो सकता है एरिया काफी ज्यादा हो उसका वहां पे, समझ में आया? क्योंकि एरिया जो होता है वो लेंथ ही नहीं इंटू ब्रेड्थ भी होता है। तो नदी कहीं पे बहुत ज्यादा फैली हुई है मान लो, लेकिन लंबाई कम है, तो भी वहां एरिया ज्यादा हो सकता है। तो लेंथ अलग चीज होती है बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल ये कि महानदी जो है उसका उसका जो लेंथ है वो भारत के सबसे ज्यादा किस राज्य में है? देखो महानदी की जो लेंथ है वो लगभग 851 किलोमीटर है। यहाँ पे मैंने आपको 900 राउंड अप करके बताई थी, ठीक है, 851 किलोमीटर है, जिसमें से 357 है छत्तीसगढ़ में और 494 है उड़ीसा में, यानी कहानी बदल गई है। अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो उड़ीसा में महानदी काफ़ी ज़्यादा है, 494 किलोमीटर यहाँ पे है और छत्तीसगढ़ ही। एग्जाम में ज़्यादातर लेंथ आता है अगर आता है तो, ठीक है, एग्जाम में लेंथ ज़्यादा पूछते हैं, बेसिन पूछते कम है। तो महानदी की लंबाई ओडिशा में ज्यादा है लेकिन बेसिन छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, कोई डाउट यहाँ तक? फिर महानदी निकलती कहाँ से है? देखिए नदी का जो उद्गम है या नदी का जो स्रोत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नदी निकलती है ये सिहावा माउंटेन धमतारी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। एक बात और आपको बता दूं, इंटरनेट से मैंने आपको 1000 बार कहा है आप मत पढ़ो, आप सिर्फ मेरे स्टैटिक जीके के वीडियोस देखो, इंटरनेट पे इतनी चीजें गलत हैं। मैं स्टैटिक जीके की तो कह सकता हूँ कम से कम कि इंटरनेट पे 90% है, तो इस पे आप पूरी तरह से आंख बंद करके रिलाई कर सकते हैं और एग्जाम में कभी दिक्कत हो तो चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो महानदी निकलती कहाँ से है? सिहावा माउंटेन धमतारी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। फिर ये जो नदी है काफी ज्यादा कृषि को सपोर्ट करती है, वैसे महानदी में फ्लड्स भी बहुत आते हैं। वैसे भारत में जो बड़ी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, महानदी हो गई या महानदी गोदावरी कृष्णा या कावेरी, तो ये सारी की सारी फ्लड्स काफी लेकर आती है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं, महानदी भी गोदावरी भी कृष्णा भी, कृष्णा और गोदावरी का तो डेटा मिल भी जाता है उनकी, और कावेरी भी, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और कावेरी डेल्टा। कावेरी ये सारी नदियां डेल्टा क्यों बनाती हैं? क्योंकि यहाँ पे ये आसानी से फैल जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात, डेल्टा बनाने के लिए एक चीज़ है, नदी का बहाव स्लो होना चाहिए, तो नदियाँ स्लो हो जाती हैं। ये सारी नदियाँ अपने साथ काफ़ी ज़्यादा सिल्ट मिट्टी वगैरह लेकर आती हैं, इस वजह से नदी का बहाव स्लो हो जाता है। और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो भी कोई कंटिन्यूस में है, राइट, तो ये आसानी से नदियाँ फैलती हैं। जब नदी में मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो हमने देखा था डेल्टा कैसे बनता है, तो वो उसको स्प्लिट कर देता है बहाव को दो हिस्सों में, फिर दो चार में, फिर ऐसे नदी धीरे धीरे फैलती जाती है और डेल्टा बनता जाता है। तो अब इसमें ये नदी कृषि काफी होता है, लगभग ये नदी जहां भी ड्रेन करती है उसका 50% से ज्यादा जो एरिया है वो एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे खेती करी जाती है और नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अच्छा अब इस नदी के कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये नदी जो है सबसे पहले इसमें मिलती है सेवनाथ नदी, इसको शिवनाथ बोलते हैं, कई लोग लिखते हैं सेवनाथ, कई जगह आप बुक्स में शिवनाथ भी देखोगे लिखा हुआ, ठीक है। जो एडवांस किताबें हैं थोड़ी सी, मैंने उनमें देखा कि शिवनाथ वर्ड यूज करा है राधर देन सेवनाथ, बात एक ही है, उच्चारण शिवनाथ ही है। तो शिवनाथ नदी इसमें मिलती है सबसे पहले और फिर ये जो है ओडिशा में एंटर कर जाती है। शिवनाथ नदी जो है ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है महानदी की, इसकी लेंथ है 290 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो एक नदी में जो सहायक नदियाँ होती हैं, सहायक नदियाँ जिन्हें उप नदियाँ भी बोल सकते हो, तो ये जो सहायक नदियाँ हैं इनमें सबसे लंबी कौन सी है और सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी कौन सी है, इन दोनों में भी फर्क होता है। सबसे बड़ी सहायक नदी उसे बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा पानी कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, लेकिन सबसे लंबी उसे बोलते हैं जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि शिवनाथ नदी सबसे लंबी है, मतलब महानदी में जितनी भी नदियां मिलती हैं उनमें सबसे लंबी शिवनाथ है, शिवनाथ की लंबाई 290 किलोमीटर है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है महानदी की शिवनाथ। उसके बाद संबलपुर जो एरिया है उड़ीसा का, वहां पे हीराकुड डैम बनाती है महानदी, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है, ठीक है, सबसे लंबा डैम भारत का कौन सा है? हीराकुड। उसके बाद ये कटक में भी फ्लो करती है, राइट, कटक में भी फ्लो करती है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इसका बेसिन है नदी का, तो आप देख सकते हैं कि जो महानदी है, राइट, जो महानदी है ये है हमारी महानदी, ये महानदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई, कोई डाउट? अब इसको ध्यान से देखो, ये नदी, ये हमारा दक्षिण भारत है, तो ये नदी ऐसे फ्लो कर रही है रफली, ठीक
ठीक है, रूट इसका थोड़ा अलग है लेकिन रफली ये ईस्टर्न फ्लोइंग है। तो जब नदी इस तरफ फ्लो कर रही है तो आप इमेजिन करो कि आप इस नदी में नाव में बैठे हो, तो आपकी नाव भी तो इस तरफ ही जाएगी, यानी आपके लेफ्ट में क्या होगा ये एरिया और आपके राइट में क्या होगा ये, यानी ऊपर लेफ्ट हो गया नीचे राइट हो गया, कोई डाउट इसमें? तो अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में पूछूं कौन सी हो गई जो ऊपर से गिर रही है, यानी हसदेव, ठीक है, हसदेव, मांड, इब, ये सब जो इसमें मिल रही हैं ये नदियां हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेकिन जो टेल है, ओंग है, ये सारी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, एक बार आपको डायग्राम क्लियर हो गया, तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, यानी इतनी सारी नदियां इसमें मिल रही हैं, शिवनाथ मिल रही है, हसदेव, मांड, इब, ओंग, जोंग और टेल। सुपर इजी, ठीक है, सुपर इजी, ठीक है। कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं एक बार फिर देखते हैं, शिवनाथ मिल रही है, फिर जोंग मिल रही है, फिर हसदेव, मांड, इब, टेल, ओंग और जोंग, ये सारी नदियां इसमें मिल जाती हैं, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। अब आपके लिए चीजें आसान हो जाए इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना फ्लो चार्ट है जो मैंने अपनी पेंट ब्रश में बनाया है, अपनी लिमिटेड स्किल यूज करके, मेरे पास डिजिटल मुझे स्किल ज्यादा नहीं है लेकिन ये मैंने एक समझाने के लिए बना दिया तो आपको आसान हो जाएगा। देखो ये नदी निकली पहले धमतारी डिस्ट्रिक्ट से, ये इसका उद्गम है यानी सोर्स है। सबसे पहले इसमें कौन सी नदी मिली? शिवनाथ, फिर इसमें मिली हसदो, फिर इसमें मिली जोंक, ठीक है, जोंक, शिवनाथ, हसदो और जोंक। और डायग्राम के साथ आप कोरिलेट करो, ऐसा नहीं है कि आपको कोरिलेट नहीं करना, शिवनाथ, हसदेव और जोंक, ये जोंक। और ये जो नदी है ये आप यहां ध्यान से देखो, ये है जोंक, ये तो ये हमारी जो है ये महानदी है। शिवनाथ और हसदेव कहां से मिल रही है? ऊपर, ऊपर मतलब क्या था? लेफ्ट। तो ये लेफ्ट, ये लेफ्ट है और ये राइट है। और वैसे भी बड़ा आसान है, आप यहां से बैठो नाव लेके, आप नाव लेके यहां से जाओ, ये सी है यानी बंगाल की खाड़ी है, तो आपके लेफ्ट में क्या आएगा? लेफ्ट में ये आएगा, राइट में ये आएगा, आपकी नाव यहां से यहां चल रही है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई शिवनाथ और हसदो, और राइट बैंक हो गई जोंक, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मिलती है शिवनाथ, फिर मिलती है हसदो, और फिर इस तरफ से मिलती है जोंक, फिर ये सरनगढ़, सरनगढ़ ये जगह जो रायगढ़ में है छत्तीसगढ़ में, फिर ये क्रॉस कर गई सरनगढ़ को, फिर मांड और इब नदी इसमें मिलती हैं, अगेन लेफ्ट बैंक से मिलती हैं। तो डायग्राम फिर देखते हैं, तो मांड और इब लेफ्ट बैंक से मिल रही है ऊपर से, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, फिर ये संबलपुर को क्रॉस करती है, फिर इसमें राइट बैंक से ओंग और टेल मिलती है। तो ये देखिए नीचे से ओंग और टेल मिल रही है, और उसके बाद ये सोनपुर क्रॉस कर जाती है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस डायग्राम से भी आप एक कहते हैं ना स्कीमा, स्कीमा ऑफ थिंग्स कि भाई कैसे हो रहा है, तो इसमें आपको एक इजीली पता चल जाएगा, वरना ये डायग्राम भी अपने आप में बहुत अच्छा है। कोई डाउट इसमें? महानदी में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये महानदी है, सुपर इजी। अच्छा, महानदी के ऊपर कौन कौन से डैम बने हुए हैं? हीराकुड बना हुआ है, फिर दुधवा डैम है, दुधवा डैम जो है धमतारी में है, ये छत्तीसगढ़ में जहाँ से नदी निकलती है, धमतारी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। फिर गैंगरेल डैम है, बहुत बड़ा डैम है गैंगरेल, और भिलाई स्टील प्लांट को पानी देता है गैंगरेल डैम, इसको रविशंकर सागर भी बोलते हैं, ये भी धमतारी डिस्ट्रिक्ट में। फिर सोंदूर डैम है, सोंदूर डैम जो है ये सोंदूर नदी पे है जो महानदी की ट्रिब्यूटरी है, तो डायरेक्टली महानदी पे नहीं है सोंदूर, लेकिन उसके बेसिन में आता है क्योंकि उसकी ट्रिब्यूटरी है एक सोंदूर, छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन बस याद रख लो सोंदूर। फिर हसदेव बांगो डैम है जो हसदेव नदी पे है, और हसदेव आप जानते हैं ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है हसदेव। और तंदूला डैम है जो तंदूला नदी पे, अगेन ये शिवनाथ नदी की ट्रिब्यूटरी है तंदूला, और शिवनाथ या शिवनाथ और शिवनाथ जो है फिर वो जाके महानदी में मिल जाती है। तो ये सारे डैम या तो महानदी पे हैं या महानदी की ट्रिब्यूटरीज में, कोई डाउट इसमें? तो ये सारे डैम बने हुए हैं। फिर महानदी जो है सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? सिमलीपल और सतकोसिया कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है इसमें सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ठीक है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अंदर सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया गॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गॉर्ज मतलब क्या? जब नदी पहाड़ में से छेद बना के निकल जाती है तो उसे गॉर्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पहाड़ हैं उनमें से ये नदी छेद बनाती है और वहां से निकलती है, तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व में से निकलती है, ठीक है। तो ये गॉर्ज महानदी के द्वारा बनता है सतकोसिया टाइगर रिजर्व में, यानी महानदी सपोर्ट करती है सतकोसिया टाइगर रिजर्व में। और महानदी बेसिन जो है वो खनिज में भी काफ़ी उच्च क्वालिटी का है, यानी मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी हैं, तो इंडस्ट्रीज काफ़ी हैं महानदी बेसिन में। कुछ इंडस्ट्रीज आपको बता देता हूँ, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, आयरन स्टील प्लांट भिलाई,
या एल्यूमिनियम फैक्ट्री है हीराकुड और कोरबा में, पेपर मिल है कटक में, और सीमेंट फैक्ट्री सुंदरगढ़ वगैरह में। तो ये जो सारी इंडस्ट्रीज वगैरह है काफ़ी है महानदी बेसिन में, और एग्रीकल्चर भी काफ़ी होता है महानदी बेसिन। कोई डाउट, महानदी यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी। अब आप महानदी से रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो ना कर पाए। चलिए अब हम आते हैं दूसरी नदी पे, और वो है गोदावरी, दक्षिण गंगा गोदावरी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना आसान है। अभी तो मैं फैला नहीं रहा नदी को, अभी मैं बेसिन नहीं दिखा रहा, अभी तो सिर्फ मुख्य धारा दिखा रहा हूँ। तो ये नासिक है, नासिक से निकली गोदावरी नदी, ठीक है। यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है बहुत बड़ा, त्र्यंबकेश्वर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना उनमें से एक त्र्यंबकेश्वर भी है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे दूसरे भी हैं, महाकालेश्वर है, ओमकारेश्वर है, और बहुत सारे हैं, तो उनमें एक त्र्यंबकेश्वर भी है। तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है वहाँ से निकलती है गोदावरी, यानी ये महाराष्ट्र को क्रॉस करी, पूरा महाराष्ट्र, नांदेड़ वगैरह। अब ये कौन सा स्टेट आ गया, ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब टी, टी मतलब तेलंगाना। कोई डाउट, तो ये वाला जो स्टेट है ये तेलंगाना है, ये है तेलंगाना, तेलंगाना में घुसी, तो ये तेलंगाना से निकली। अब तेलंगाना किससे अलग हुआ था, ये कौन सा स्टेट है, ये जो एक हनुमान जी की गदा जैसा दिखता है, तो ये है आंध्र प्रदेश, राइट। तो ध्यान से देखिए, ये नदी महाराष्ट्र से निकली, फिर ये तेलंगाना में गई, और फिर आंध्र प्रदेश में गई, और फिर डेल्टा बना के गिर गई बंगाल की खाड़ी में। आसान है, ठीक है, लेकिन ये तो मुख्य धारा है। लेकिन अगर मैं बेसिन की बात करूं तो इसका बेसिन तो ऑफकोर्स काफ़ी बड़ा होगा। तो बेसिन में इसके क्या क्या आ गया, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। बेसिन में मतलब महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्रा और तेलंगाना, ये तो मेन है। तो यहाँ पे आंध्रा तेलंगाना एक ही रख के दिखाया हुआ है, और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक भी इसमें आ जाते हैं, यानी छुएगी किस किस को ये। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये उड़ीसा है, तो ये उड़ीसा में भी छू रही है, राइट। फिर ये छत्तीसगढ़ में भी छू रही है ऊपर, फिर ये ऊपर देखिए यहाँ मध्य प्रदेश को भी छू रही है, राइट। तो और ये यहाँ पे कर्नाटक को भी छू रही है, ये जो है ये कर्नाटक है, ये कर्नाटक है, तो कर्नाटक को भी छू रही है। तो बेसिन बाकी उनको भी छूती है, लेकिन मेन ये नदी किस में है, मेन ये नदी है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, और ये आंध्र में, ठीक है। एक तरफ मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ। तो गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं। गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण गंगा बोलते हैं। गोदावरी नदी जो है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद, ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, गोदावरी की अभी आपको बताऊंगा। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, ये सह्याद्री, ब्रह्मगिरी के जो पहाड़ है त्र्यंबकेश्वर, वहां से निकलती है। बस आप इतना याद रखो, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक से, इतना काफी। ये नदी अगेन बहुत बड़ी है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ड्रेन करती है, जो भारत के सबसे बड़े रिवर बेसिन में से एक है। फिर ये नदी जो है इसका अगर मैं फ्लो की बात करूं तो सबसे ज्यादा एरिया के हिसाब से, यानी कैचमेंट एरिया जो इसका है वो कहाँ है, तो वो है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, फिर आंध्रा तेलंगाना में है, और बाकी में तो बस छूती है, तो उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र, और फिर आंध्रा और तेलंगाना। कोई डाउट, पहले तेलंगाना आता है, तो तेलंगाना प्लस आंध्रा लिखे तो ज्यादा अच्छा है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, यानी गंगा से तो काफी छोटी है, गंगा 2525 किलोमीटर है, पर हाँ काफी मतलब इसकी भी लंबाई है, और इसमें महाराष्ट्र में इसकी लंबाई है 694 किलोमीटर, यानी इसका जो एरिया है वो भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, और इसकी जो लंबाई है वो भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, तो दोनों में इस बार महाराष्ट्र हो गया आंसर, क्लियर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया वाइज, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, इस नदी का लगभग 50% ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि वो महाराष्ट्र में है। अब इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये टेबल बहुत खूबसूरत है, सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट से ली गई है ये टेबल। सो यहाँ देखिए ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, और गोदावरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी नदियां इसमें मिलती हैं, तो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो गोदावरी जो है एक अपर गोदावरी होती है, एक मिडल गोदावरी, और एक लोअर गोदावरी। तो ये मैं आपको डायग्राम में दिखा के बताऊंगा कि गोदावरी के 3 हिस्से कौन से हैं। तो नदियां इसमें मिलती हैं प्रावारा, पूर्णा, मंजीरा, मनेर, पैनगंगा, वारदा, प्राणहिता, इंद्रावती और शबरी, ठीक है, ये सारी नदियां जो हैं गोदावरी में मिलती हैं। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे, पहले देखते हैं कि कौन सी नदी सबसे लंबी है और कौन सी नदी सबसे ज्यादा पानी जोड़ती है, यानी कैचमेंट एरिया जिसका ज्यादा है। अब यहाँ पे आप देखें
अगर मैं पूछूं इस नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी वही होती है जो सबसे ज्यादा जिसका एरिया होता है, यानी सबसे ज्यादा एक तरह से पानी जोड़ेगी, कैचमेंट एरिया उसका ज्यादा है, तो यहाँ पे एरिया दिखा दिया। तो लार्जेस्ट अगर आप देखें तो लार्जेस्ट है इसकी प्राणहिता, लार्जेस्ट है इसकी प्राणहिता। लेकिन लंबाई किसकी ज्यादा है, लॉन्गेस्ट है इसमें मंजीरा, मंजीरा और प्राणहिता में थोड़ा ही फर्क है लेकिन मंजीरा है, ठीक है। तो इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लॉन्गेस्ट मंजीरा, लार्जेस्ट कौन सी है, प्राणहिता। कोई डाउट यहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है ये चीज। अब ये नदी है, इट्स वेरी वेरी इजी, आप देख के डरना मत कि इतनी सारी नदियां मिल रही हैं, इतना आसान बना दूंगा आपके लिए कि अब कहीं नहीं कोई चीज है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये त्र्यंबकेश्वर से निकली गोदावरी, अब ये आ रही है, ये आ रही है महाराष्ट्र में, आ रही है क्रॉस कर रही है, राइट, फिर ये तेलंगाना और फाइनली आंध्रा, राजमुंद्री के पास ये जो है स्प्लिट हो जाती है, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डेल्टा बनाया, फैल गई और गिर गई बंगाल की खाड़ी में, इजी, यानी पहले महाराष्ट्र फिर तेलंगाना फिर आंध्रा। अब इसमें आप नदी में बैठे हो तो आपकी लेफ्ट बैंक कौन सा होगा, ऊपर, ऊपर जो होगा वो लेफ्ट बैंक होगा, नीचे जो होगा वो राइट बैंक होगा, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इसकी, मोटा मोटी इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, डिटेल में तो बाद में जाएंगे, ये देखिए पूर्णा, पूर्णा नदी इसमें मिल रही है लेफ्ट बैंक से, फिर ये देखिए ये नदी देख रहे हैं वारधा, वारधा मिल रही है इसमें, ये नदी देख रहे हैं वैनगंगा, वैनगंगा। अच्छा आपने एक चीज नोट करी, वारधा और वैनगंगा ये मिलके एक नदी बना रही है कॉमन, तो ये प्राणहिता है, ठीक है। ये मैं ब्लू कलर में दिखा देता हूँ, प्राणहिता, वारधा नदी ये रही लाल रंग में, वारधा नदी ये रही, ठीक है, ये वारधा है, ये है वैनगंगा। वारधा और वैनगंगा सीधी नहीं मिल रही इसमें, पहले ये दोनों कहीं बीच में खुद मिल रही हैं, तो मिलके ये बना रही हैं प्राणहिता, तो ये नदी बन गई प्राणहिता, और फिर ये प्राणहिता भी गोदावरी में मिल गई। और ये एक और नदी है जो वारधा में मिल रही है, ये है पैनगंगा, तो पैनगंगा वारधा में मिलती है, फिर वारधा और वैनगंगा एक साथ मिलके प्राणहिता बनाती है, और प्राणहिता यहाँ पे। फिर ऊपर से और कौन सी नदी मिल रही है गोदावरी में, ये देखिए ये इंद्रावती, इंद्रावती, फिर ये शबरी, यानी ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे इंपॉर्टेंट है मंजीरा, फिर मनियार, तो ये हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इजी। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया जिससे आपको काफी आसान हो जाए। अब ये नदी का सोर्स है यानी त्र्यंबकेश्वर है, और ये समुद्र है यानी बंगाल की खाड़ी है, तो आप नाव लेके यहाँ से नीचे जा रहे हैं, सोर्स से सी तक जा रहे हैं, तो आपके लेफ्ट में क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा आपके लेफ्ट में और ये पड़ेगा आपके राइट में। तो सबसे पहले इसमें मिली प्रावारा मूला, प्रावारा और मूला, इस डायग्राम में प्रावारा और मूला नहीं दिख रही, लेकिन आपको बता देता हूँ यहाँ से ऐसे प्रावारा और यहाँ से मूला इसमें मिलती है, यानी नीचे मतलब राइट बैंक, तो राइट बैंक से मिल रही प्रावारा और मूला, फिर इसमें मिली लेफ्ट बैंक से पूर्णा। तो डायग्राम देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पूर्णा मिली लेफ्ट बैंक से, ये राइट बैंक के नीचे ऊपर लेफ्ट बैंक है, तो लेफ्ट बैंक से मिली पूर्णा, फिर उसके बाद मंजीरा, मनेर और किन्नर सनी, मंजीरा इसमें है, मनेर भी है इसमें, और एक छोटी सी नदी और है किन्नर सनी, वो भी यही नीचे से मिल जाती है इसमें। उसके बाद प्राणहिता, प्राणहिता सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राणहिता मिली कोरिलेट करी डायग्राम के साथ, ये देखिए ये नदी जो है ये प्राणहिता है, लेकिन प्राणहिता बनी कैसे, ये वारधा और वैनगंगा से मिलकर बनी, ठीक है। तो प्राणहिता जो है वैनगंगा और वारधा से मिलकर बनी है, और वारधा में एक नदी आके मिलती है पैनगंगा, तो ये जो नदी देख रहे हैं ये पैनगंगा है, पैनगंगा वारधा में मिली, वारधा और वैनगंगा ने मिलकर प्राणहिता बनाई, और ये गोदावरी में मिल गई, ठीक है। फिर इंद्रावती और शबरी डायग्राम में कोरिलेट करिए, ये इंद्रावती और फिर ये शबरी, कितना आसान है अगर आपने ये फ्लो चार्ट याद कर लिया, कुछ करना ही नहीं है, आपको पहले ही पता हो जाएगा भाई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी। देखिए अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा तो कैसे आएगा, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा तो ऐसे आएगा, इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, केंद्रीय जल आयोग बोलते हैं उसे। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो हमने देख ली, उनमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को देखेंगे, पूर्णा, प्राणहिता। तो चाहे मंजीरा सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट है, लेकिन बड़े के मामले में वो तीसरे नंबर पे आती है, उससे ज्यादा तो इंद्रावती है 41,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो इंद्रावती जो है वो दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और इंद्रावती नदी जो है लाइफ लाइन बोलते हैं इसे, कालाहंडी, नबरंगपुर और बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़,
कालाहांडी और नबरंगपुर और बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। आपने एक वो सुना है इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, तो वो इंद्रावती नदी तो बनाती है। आपने एक वो सुना है चित्रकूट वाटरफॉल, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है चित्रकूट, तो चित्रकूट वाटरफॉल कौन सी नदी बनाती है? इंद्रावती तो बनाती है छत्तीसगढ़ में, कोई डाउट? तो बस्तर को भी ड्रेन करती है इंद्रावती, जो कि दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। तो गोदावरी कितनी इंपॉर्टेंट है इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर मंजीरा सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है जैसे मैंने बताया, और निजाम सागर डैम जो है मंजीरा पे बना है। निजाम सागर, इनफैक्ट मंजीरा पे सिंगूर डैम भी बना है। सिंगूर डैम प्रोजेक्ट तेलंगाना में जो है वो भी मंजीरा नदी पे बना है, और हैदराबाद को जो पानी मिलता है सिंगूर डैम से मिलता है, सिंगूर डैम प्रोजेक्ट। फिर पूर्णा नदी जो मैंने आपको बताई थी, पूर्णा नदी जो है मराठवाड़ा महाराष्ट्र को ड्रेन करती है। गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? नासिक हो गया जहाँ से निकलती है, नांदेड़, राजमुंद्री, राजमुंद्री वहाँ जहाँ पे एकदम बंगाल की खाड़ी से मिलती है बस वहीं पे। फिर गोदावरी नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले दो हिस्सों में बढ़ जाती है, वेस्ट गोदावरी और ईस्ट गोदावरी। तो इसलिए आंध्र प्रदेश में दो डिस्ट्रिक्ट हैं, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। इनफैक्ट आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि भारत में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं राज्यों के जिनके नाम नदियों के नाम पे हैं, अनइमेजिनेबल। अब वारधा है जैसे, आगे आएगी वारधा, कृष्णा में आएगी वारधा, तो वारधा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वारधा नदी का नाम है। तो नदियों के नाम पे भारत में बहुत सारे जिलों के नाम है। तो आंध्रा में देख सकते हैं आपकी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट, इसमें नदियों के नाम पे रखे हैं। तो नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री, रामागुंडम और भद्राचलम, ये रामागुंडम और भद्राचलम तेलंगाना में, ठीक है। गोदावरी नदी पे कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हुए हैं? कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना, ये वहाँ पे है जहाँ पे गोदावरी प्राणहिता के साथ मिलती है, तो वहाँ पे है कालेश्वरम प्रोजेक्ट। फिर पोलावरम प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी पे आंध्र प्रदेश में, और जैकवाड़ी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में, जैकवाड़ी बांध। वैसे छोटे छोटे हैं लेकिन मैंने बड़े कवर करे सर, क्योंकि डैम पे हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है। टाइगर रिजर्व है, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के द्वारा शेयर किया हुआ पेंच टाइगर रिजर्व भी वहाँ पे है। फिर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गोदावरी डेल्टा में आती है, तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। फुल डाउट, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारी दूसरी नदी और जो है गोदावरी नदी। अब कोई भी आपको प्रॉब्लम गोदावरी में नहीं होगी, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं तीसरी नदी पे। तो गोदावरी हमने कर ली, गोदावरी आपको दिखाऊं बना के, ये देखो ये गोदावरी है, ये गोदावरी है, ये गोदावरी है। महानदी कैसे थी? ये छत्तीसगढ़ से निकली, ये घूम घाम के गई ओडिशा में और गिर गई, ये है महानदी, ये है गोदावरी। अब इसके नीचे आ जाओ तो ये है कृष्णा, और ये कर्नाटक से निकली और नीचे तमिलनाडु में आ गई, कावेरी जल के बाद आपको याद होगा 50 साल से ज्यादा हो गए। चलो कृष्णा नदी पे आते हैं। कृष्णा ध्यान से देखो, पहले मुख्य धारा देखते हैं, महाराष्ट्र से निकली, महाराष्ट्र से निकली, अब कर्नाटक में घुसी, ये कर्नाटक है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा कर्नाटक है। तो दोबारा देखते हैं, महाराष्ट्र से निकली, ये गोवा है छोटा सा, गोवा में नहीं जा रही है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक में आई, कर्नाटक से फिर ये तेलंगाना को छूते हुए बस टच कराए, और ये जो है आंध्रा में आई और ये गिर गई, ठीक है। आंध्रा याद रखना, भगवान हनुमान जी की गदा जो होती है ना उसकी शेप है इसकी, ये गदा भगवान हनुमान जी की गदा की शेप है आंध्र प्रदेश की, और तेलंगाना है ट्राइंगल, ये क्लियर, तो ये क्लियर है। तो कृष्णा नदी की मुख्य धारा कहां फ्लो करती है? पहले महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, और फिर आंध्रा, ये मुख्य धारा है। बाकी ऑब्वियसली बेसिन की बात करूंगा तो बेसिन फिर तेलंगाना में भी जाएगा, राइट, फिर ये ऊपर थोड़ा बहुत इनको भी टच करेगा, दूसरे राज्यों को भी टच करेगा, वो हम देखेंगे। ये थोड़ा सा मैंने वो दिखा दिया, दूसरी नदी भी जो मिल रही है उनको बना के दिखा दिया, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट स्टार्ट कृष्णा रिवर। सो कृष्णा नदी दूसरी सबसे बड़ी ईस्टवर्ड ड्रेनिंग इंटरस्टेट रिवर है। इंटरस्टेट मतलब जो एक राज्य से ज्यादा में बहती है, तो ऑब्वियसली कई सारे राज्यों में बहती है, तो इंटरस्टेट रिवर हो गई। और ईस्टर्न फ्लोइंग में सबसे बड़ी नदी तो हमने देख लिया था गोदावरी है, दूसरी सबसे बड़ी है कृष्णा। फिर ये निकलती कहाँ से है? ये महादेव के पहाड़ों से निकलती है, महाबलेश्वर के पास से, वेस्टर्न घाट्स में, और महाराष्ट्र से निकलती है महादेव के पहाड़ों से। ये 305 किलोमीटर फ्लो करती है महाराष्ट्र में, 483 करती है कर्नाटक में, और 612 किलोमीटर करती है आंध्र प्रदेश में। यानी अगर यहाँ पे देखें ये कृष्णा नदी, अगर हम देखें यहाँ पे, सो ये लगभग 300 किलोमीटर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में उतना बड़ा फ्लो नहीं है, 400 किलोमीटर कर्नाटक में लगभग, लेकिन 600 से ज़्यादा किलोमीटर आंध्र में। तो ये नदी, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र के डबल।
ये नदी 1400 किलोमीटर है, तो गोदावरी से थोड़ी ही छोटी है, गोदावरी 1465 किलोमीटर थी। कृष्णा नदी का जो ड्रेनेज है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? लेकिन क्या ड्रेनेज भी लेंथ के जरूरी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो महाराष्ट्र में लगभग 70,000 स्क्वायर किलोमीटर, कर्नाटक में 113,000 स्क्वायर किलोमीटर और आंध्र में 76,000 स्क्वायर किलोमीटर। यानी अगर मैं बेसिन की बात करूं तो इस नदी का बेसिन सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, फिर आंध्र में है, फिर महाराष्ट्र में। तो लंबाई सबसे ज्यादा आंध्र में, लेकिन बेसिन सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। ये है इस नदी की सहायक नदियां। तो एक बार मैं नाम पढ़ देता हूं पहले। ट्रिब्यूटरी है कोयना, जिसके कोयना डैम बना हुआ है महाराष्ट्र में, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगाभद्रा, डिंडल, पेड़ावग्गू, हालिया और मूसी। तो इनमें जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? यहाँ पे देखिए, ड्रेनेज एरिया से पता चल जाएगा आपको। तो ये दो स्टैंड आउट करती है, बाकी तो छोटी छोटी हैं, इन्हीं दो का खेल है सारा। कौन कौन सी हैं? भीमा और तुंगाभद्रा। तो सबसे बड़ी कौन सी है इन दोनों में भी? तुंगाभद्रा 71,000 स्क्वायर किलोमीटर और भीमा 70,000। थोड़ा ही फर्क है, 19-20 का फर्क है, परंतु सबसे बड़ी है तुंगाभद्रा। क्लियर? और दो सबसे बड़ी पूछ ले ट्रिब्यूटरी, तो भीमा और तुंगाभद्रा। क्लियर? अब लंबाई देखते हैं, लंबाई सबसे ज्यादा किसकी है? मैंने आपको बताया सबसे बड़ी, लार्जेस्ट कौन सी है? तुंगाभद्रा। पर क्या लंबाई भी सबसे ज्यादा तुंगाभद्रा की है? जी नहीं, लंबाई भीमा की ज्यादा है, और भीमा की बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे लंबाई की टेबल देखते हैं। यही सारी नदियां हैं, वही ड्रेनेज एरिया है। मैंने आपको बताया था 19-20 का फर्क है ड्रेनेज में, तो वो तो यहाँ पे भी सेम है, लेकिन लंबाई में फर्क बहुत है। तो भीमा की लंबाई 861 किलोमीटर है और तुंगाभद्रा की लंबाई 531 किलोमीटर है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, भाई विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? तो आंसर है भीमा। उसमें ऑप्शन देखो तुंगाभद्रा, तो कंफ्यूज मत होना, लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं है। तो कौन कौन से बांध बने हुए हैं कृष्णा नदी पे? बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिख दिए हैं। बसवा सागर कृष्णा नदी पे है कर्नाटक में, बसवा सागर। श्री सैलाम डैम बहुत बड़ा डैम है ये। श्री सैलाम भारत के जो पांच सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक है। सो कृष्णा नदी पे है ये, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्रा। फिर नागार्जुन सागर, अगेन बहुत बड़ा है ये नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर डैम भी कृष्णा नदी पे है, ये आंध्र तेलंगाना बॉर्डर पे है, गुंटूर आंध्र और नालगोंडा तेलंगाना का जो बॉर्डर है वहां पे है। तुंगाभद्रा डैम, ये तुंगाभद्रा नदी को पहले पंपा नदी बोलते थे एक जमाने में, तो तुंगाभद्रा डैम को पंपा सागर भी बोलते हैं। ये भी ये तुंगाभद्रा पे है, तुंगाभद्रा कृष्णा की ही ट्रिब्यूटरी है, तो तुंगाभद्रा डैम भी इसी के उसमें आता है। ये तुंगाभद्रा डैम बल्लारी कर्नाटक में है। प्रकाशम बैरेज, ये प्रकाशम विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, विजयवाड़ा है जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक वहां पे है। और अलमाटी बांध, ये डायरेक्ट कृष्णा नदी पे कर्नाटक में है, अलमाटी बांध। क्लियर? तो ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट डैम है कृष्णा पे या कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज पे। ये फोटो पहचानी, ये प्रकाशम बैरेज है, ये प्रकाशम बैरेज है। बैरेज क्या होता है? बैरेज जो है नदी का बहाव और दिशा कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। अगर मान लो कोई नदी सीधी आ रही है लेकिन आप चाहते हो वो यहाँ मुड़ जाए, तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल बैरेज लगा देंगे, नदी का पानी वहां से फिर मोड़ देंगे। ठीक है, प्रकाशन बैरेज। तो बैरेज कोई भी अगर होता है तो वो जो है नदी का बहाव और दिशा हम कंट्रोल कर पाते हैं बैरेज बनाकर। तो ये बैरेज है, हम इसमें इतना पानी कब छोड़ना है, एक तरह का टेम्परेरी डैम ही आप इसे बोल सकते हैं। और ऊपर ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है, एक ब्रिज का काम भी करता है। आपने एक फरक का बैरेज सुना होगा, जहां गंगा नदी का पानी मोड़ देते हैं हम हुगली की तरफ। चलिए अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये एक जिसे कहते हैं ना कि मैक्रो डायग्राम है। अभी माइक्रो भी दिखाऊंगा, अभी और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, परंतु सबसे पहले जरूरी है कंसेप्ट क्लियर करना। तो ये महाराष्ट्र है, ठीक है, ये अब कृष्णा नदी जो है ये आ रही है, कृष्णा नदी आ रही है। अब सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? मैंने बताया भीमा और तुंगाभद्रा। ठीक है, अब आप अगेन नाव में बैठे हो तो ऊपर लेफ्ट हो गया और नीचे राइट हो गया, तो लेफ्ट बैंक से आ रही है भीमा और राइट बैंक से आ रही है तुंगाभद्रा। ये डिफरेंस है एक बहुत बड़ा। भीमा ज्यादा लंबी है कि तुंगाभद्रा? भीमा नदी बहुत लंबी है, 831 किलोमीटर, तुंगाभद्रा 500 के आसपास। तो फर्क ये है, भीमा नदी लेफ्ट बैंक से आती है और तुंगाभद्रा नीचे यानी राइट बैंक से आती है। ठीक है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर है, ये भी लेफ्ट बैंक से आती है। तो ये एक हो गया मैक्रो। अब आते हैं माइक्रो में, और यहां सारा गेम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कृष्णा नदी बना के दिखाता हूँ, वरना आपको कृष्णा नदी नजर नहीं आएगी इसमें।
तो ये कृष्णा डेल्टा बन रहा है, कृष्णा डेल्टा। अब ये कृष्णा नदी में बना रहा हूँ, ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है, ठीक है, लाल रंग में कृष्णा नदी है। अब इसमें अगर मैं ट्रिब्यूटरीज पे नजर डालूं तो ट्रिब्यूटरीज क्या मुझे नजर आ रही है? बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जो नदी है ये डिंडल है। अच्छा, ऊपर से आ रही है, पहले लेफ्ट बैंक की बात करते हैं। चलो ऊपर से कौन कौन सी मिल रही है आके, ये है डिंडल, ये है मूसी जिसके किनारे वो हैदराबाद, ये है पलेरू, ये है हल्ला, राइट, हल्ला। और ये इतनी बड़ी नदी, ये है भीमा, भीमा, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक से कौन कौन सी आ रही है? भीमा, मूसी, हल्ला, राइट, और पलेरू। तो ये सारी जो है ये लेफ्ट बैंक से आ रही है। अब आते हैं राइट बैंक, और राइट बैंक से बहुत सारी है इसमें, तो ऊपर से स्टार्ट हो जाओ। देखो ये नीचे से आ रही है, क्योंकि मैं अलग रंग दूंगा इसे, तो मेरा रंग है नीला, ठीक है। तो ये सबसे पहले कोयना, ये कोयना मिल गई, ये कोयना, ठीक है, कोयना नदी जो है ये कोयना। फिर ये जो है ये है पंचगंगा, ये है पंचगंगा। फिर ये है दूध गंगा, ये है घाट प्रभा, ये है माल प्रभा, ये है तुंगाभद्रा, ठीक है। तो ये सारी की सारी राइट बैंक से मिल रही है। तो यहां पे मैंने उसी हिसाब से लिख दिया है, राइट बैंक से घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगाभद्रा, दूध गंगा, पंचगंगा और कोयना, और सारी की सारी मैंने आपको मैप पे दिखा दी है। लेफ्ट बैंक से कौन आ रही है? भीमा, मूसी, डिंडी, पलेरू और मुन्नेरू। इजी। अब कोयना नदी जो है उस पर कोयना डैम है, इसलिए बहुत फेमस है। छोटी सी नदी है लेकिन कोयना डैम की वजह से बहुत फेमस है, कोयना डैम महाराष्ट्र में है। भीमा नदी जो निकलती है भीम शंकर की पहाड़ियों से निकलती है, मथेरन, मथेरन याद आया, हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में। मैंने एक वीडियो बनाया था हिल स्टेशन ऑफ महाराष्ट्र, उसमें जाके देखो सारे हिल स्टेशन बताए हैं, तो उसमें मथेरन भी एक है। तो महाराष्ट्र में हिल स्टेशन है मथेरन, वहां पे भीमा शंकर की पहाड़ियां हैं, और ये भीमा शंकर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। भीमा शंकर महादेव, भीम शंकर महादेव, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। भीमा शंकर की पहाड़ियों में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भी है। तो वहां से भीमा नदी निकली और फिर ये कृष्णा में जाके मिल गई रायचूर में। रायचूर कहाँ है? रायचूर कर्नाटक में। फिर पंढरपुर का जो शहर है वो भीमा नदी के किनारे है, और भीमा शंकर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। फिर जब ये समुद्र में जाती है, उससे पहले इसमें एक मूसी नदी भी मिलती है, और मूसी नदी जो है वो उसके किनारे हैदराबाद शहर है। तो कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? अमरावती, विजयवाड़ा, श्रीसैलम, महाबलेश्वर इत्यादि। महाबलेश्वर से तो निकलती है, तो ठीक है, ये सारे शहर हैं। अगर पूछे भाई हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो मूसी मार्क करेंगे आप कृष्णा मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है मूसी, मूसी के किनारे है, डायरेक्ट कृष्णा पे नहीं है। और तुंगाभद्रा जो नदी है, ये दो नदियों से मिलकर बनती है, एक तुंगा और एक भद्रा, ठीक है। और तुंगा और भद्रा जो निकलती है गंगमूल से निकलती है, ठीक है। उसके बाद तुंगाभद्रा 531 किलोमीटर है, और तुंगाभद्रा शहर के किनारे है हम्पी। तुंगाभद्रा को पहले पंपा बोलते थे, पंपा से शब्द बना हम्पी। तो हम्पी जो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल होती थी, विजयनगर एम्पायर था ना कर्नाटक में, हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें उसकी कैपिटल हम्पी होती थी। तो हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये तुंगाभद्रा नदी के किनारे है। तो यहां पे हमारी खत्म होती है डिटेल में कृष्णा नदी।